Hey guys, assalamu alaikum all and welcome back to my channel. It's me, Huma, Rizwan and I am back with another video. So, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक tutorial लेके जो कि है basically integration का. I want to show you कि how to integrate Python implement करना चाहते हैं जैसे कि chatbots आजकल बहुत ज़्यादा in हैं तो आप लोग उसको कैसे कर सकते हैं. Let me show you this. तो गाइज अब अगर हम लोग चाह रहे हैं इन दोनों को करना कनेक्ट तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने इंटीग्रेट की फाइल पे जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताई थी किस तरह से बनेंगी. इसी तरह main.py की फाइल, अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, यू कैन चेक आउट माई वीडियो जो कि प्रीवियस वीडियो थी हम लोगों की. अब इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह हम लोग दो पाइथन की फाइल्स को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे आपस में और एक पाइथन की फाइल से जो है हम लोग कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं दूसरी पाइथन की फाइल में थ्रू अवर स्केल्टन जो कि हम लोगों का मॉडल हम लोगों ने बिल्ड किया था एज HTML फाइल. तो यहाँ पे मैं दूसरी फाइल बना रही हूँ पाइथन की और इसको भी उसी तरह से लिंक करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत इसमें कोड का चेंज होगा और इसको मैं नाम दे दूँगी, मैसेज का नाम दे दूँगी. क्यों? क्योंकि मैं वहाँ से जो है वो एक मैसेज उठा के ला रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको नाम दे दिया. आप लोग इसको व्हाटएवर कोई भी नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू. अब यहाँ पे जिस तरह मैंने ऊपर एक रूट बनाया था, क्यों बनाया था? क्योंकि मैंने वहाँ पे इंटीग्रेट की जो फाइल थी उसको डिस्प्ले करवाना था. सो अब यहाँ पे भी मैं उसी तरह कर लूँगी लेकिन यहाँ पे थोड़ी कंडीशन चेंज है क्योंकि मैं यहाँ पहले जो था वो अपना नाम में डिस्प्ले करवा रही थी, अब मैं इस केस में यहाँ पे एक मैसेज जो है वो एक पाइथन की फाइल से दूसरी में डिस्प्ले करवाऊँगी. दैट्स वाई आई हैव चेंज इट्स नेम. यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया msg मैसेज और अब दूसरी जो मैं मैसेज की फ़ाइल है उसमें मैं जाके एक फंक्शन बना लूँगी क्योंकि पाइथन में आप लोग ऐसे काम नहीं कर सकते विदाउट फंक्शन, तो फंक्शन आप लोगों को बनाना मस्ट होता है. यहाँ पे मैंने फंक्शन एक बना लिया और इसके अंदर मैं एक कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट करवा दूँगी, वो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो दूसरी फाइल में पाइथन की जाके डिस्प्ले हो जाएगी. तो लेट्स सी के कैसे होता है ये काम, यहाँ पर मैं लिख लूँगी. सो यहाँ पे जो है वो ये फंक्शन बन गया है. इस फाइल में सिर्फ इतना ही काम होगा कि मैसेज जो है वहाँ से रिटर्न होगा रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू. अब यहाँ पे इंटीग्रेट की जो फाइल थी ये पिछली वाली वही काम हुआ हुआ है जो मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में अपने बताया था, तो मैं उसी फाइल में जो है वो चेंजेस कर रही हूँ. अब इस फाइल में मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं जिस तरह वेरिएबल्स यहाँ पर पहले मैंने n1 और n2 लिए थे तो अब मैंने यहाँ पर एक ही वेरिएबल ले ली msg, दिस इज़ द मैसेज. तो वही वेरिएबल का नाम सेम होना चाहिए आप लोगों की पाइथन की फाइल में भी और HTML की फाइल में भी जहाँ पे वो डिस्प्ले होगा. सो मैं इंटीग्रेट में जाके जो HTML की फाइल थी वहाँ पे भी मैं नाम जाके चेंज कर लूँगी. उसका नाम भी मैं msg जो वेरिएबल मैंने रखा था मैसेज वही रख लूँगी यहाँ पे भी, बिकॉज जब भी आप लोगों ने लिंकिंग करनी होती है तो नाम जो है वो उनके सेम होने चाहिए. यहाँ पर मैंने नेम अपना चेंज कर लिया और हेडिंग्स के अंदर ही मैंने उसको लिखा है h1 एंड h2 के अंदर ही. सो नेम शुड बी द सेम. अब जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो दूसरी पाइथन की फाइल जो है वो उसको इंपोर्ट करा लूँगी. इंपोर्ट कराने का यही तरीका है कि आप इंपोर्ट लिखेंगे साथ आप पाइथन की फाइल का नेम दे देंगे. जैसे मेरी मैसेज था पाइथन की फाइल का नाम, तो मैंने उसको जो है वो नाम दे दिया है इंपोर्ट मैसेज. लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो इसका कलर है वो ग्रे हुआ हुआ है, फेड हुआ हुआ है क्योंकि अभी ये यूज़ नहीं हो रही. जैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगी तो ये इसका कलर जो है वो फ़ौरन से डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं जो हूँ वो मैसेज के थ्रू जो मैसेज एक क्लास मैंने बनाई है अपनी फाइल msg जो है उसका फंक्शन है जो कि मैं इनिश ले रही हूँ और उसके अंदर जो है वो सेव हो जाएगा. x एक वेरिएबल मैंने ले लिया, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं. उस वेरिएबल के अंदर जो है वो उसका जा रही है जो भी वो फाइल रिटर्न कर रही है मैसेज की वो उसमें जा रही है. और साथ ही मैंने msg को इक्वल कर लिया x के x में जो भी वैल्यू आएगी वो msg में सेव हो जाएगी और वो जो है वो इस फाइल में चली जाएगी जो कि ये डिस्प्ले कर देगा h1 की हेडिंग्स के अंदर. सो आई विल टॉट यू हाउ टू रन इट. अभी मैं उसको उसी तरह से रन कर लूँगी पाइथन और साथ उस फाइल का नाम जो कि मैं रन करना चाहती हूँ. मेन इज़ अवर मेन फाइल जो कि रनिंग के लिए आप लोगों को चैनल प्रोवाइड करती है. अब मैं इसको रन कर लूँगी ब्लू लिंक के ऊपर जाके. सो गाइज एक तो रन करने का तरीका होता है कि आप लोग उधर पाइचार्म पे जाके कर लें, दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग इधर ब्राउज़र के ऊपर जाएं और उसका जो एड्रेस वहाँ पे आता है वो आप लोग इधर पेस्ट कर लें. पेस्ट करेंगे तो दैट्स इट, ये आप लोगों का वो वाले फाइल रन हो जाएगी. रन होने के बाद जो है इसने फाइल रन की है integrate.html. html की जो चीज़ है वो शो हो रही है ऊपर, आप लोगों को टाइटल भी इसका शो हो रहा है ब्राउज़र के ऊपर टैब वाली साइड पर. एंड उसके साथ ही आप लोगों को ये वाली जो लाइन है स्टेटमेंट है वो रन होके आई है और ये फंक्शन जो है वो डिस्प्ले हुआ है. देखिए मैंने message.py नहीं रन किया, मैंने main.py रन किया, बट अकॉर्डिंग टू इट यहाँ पे जो दोनों फाइल्स हैं वो आपस में मर्ज हो गई हैं. तो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी, कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से इसके ऊपर मैंने इंप्लीमेंट किया है, डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं और किस तरह से जो है वो काम कर रही हैं. मैसेज और पी वाई का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो स्टोर होता है मेन में
और वो डिस्प्ले होता है integrate.html की फ़ाइल में, जिस तरह यहाँ पे जो है वो ब्राउज़र के ऊपर पेज जो है उसके ऊपर वो डिस्प्ले हो रहा है मैसेज, और ये मैसेज main.py की फाइल से नहीं आ रहा बल्कि ये message.py की फाइल से आ रहा है। सो यहाँ पर जो था वो message.py में हम लोगों ने यही रिजल्ट डिस्प्ले किया था, और सिर्फ ये टू लाइन्स ही थी जो कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था। फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक रिटर्न स्टेटमेंट रख दी थी जिसके अंदर हम लोगों ने रिटर्न करवाए थे अपना मैसेज। हम लोगों ने उसका नाम रख दिया था हेलो फ्रॉम message.py, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वहाँ से आप लोगों को पता चले कि मैसेज की फाइल से जो है वो वहाँ से नेम आ रहा है। एक स्ट्रिंग जो था हम लोगों ने वो रिटर्न करवाया था। इसी तरह जो main.py की फाइल थी वहाँ से जो है वो इंपोर्ट करा दिया था मैसेज। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है इसके कोड में कि मैंने बेस मतलब स्टार्ट से कहाँ से कोड लिखा है, तो वो आप लोग फर्स्ट ट्यूटोरियल इसका देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। उसी फाइल्स में जो है वो मैंने चेंजेस किए हैं अपने सेकेंड ट्यूटोरियल के लिए। हमने सबसे पहले जो है वो अपनी फ़ाइल इंपोर्ट कर ली थी। अपने फ़ाइल इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, फंक्शन मैंने वही रहने दिए जो मेरे लास्ट ट्यूटोरियल में था। मैंने सिर्फ उसमें चेंजेस ये किए हैं कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, और उसके अंदर मैंने उस फाइल से रिलेटेड जो था एक उसका जो फंक्शन था यानी कि msg मैसेज जो मैंने फंक्शन बनाया था उसको मैंने कॉल किया, और उसकी वैल्यू मैंने स्टोर करा ली वेरिएबल एक्स में। और इसके बाद मैंने जो है वो रिटर्न करवा ली वैल्यू जो कि रेंडर टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, आप लोगों को नहीं पता रेंडर टेम्पलेट क्या है या मैंने इस लाइन में क्या किया है, तो यू विल गेट माई लिंक ऑफ अदर वीडियो इन डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊँगी कि मैसेज जो है एक वेरिएबल msg मैसेज मैंने एक वेरिएबल बना ली, उसकी मैंने इक्वल कर दी वैल्यू एक्स के। एक्स इज़ अ वेरिएबल, अलग वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू आ रही है दूसरी फाइल जो कि message.py की फाइल है, वहाँ से जो भी हम रिटर्न करवाना चाहें वो आ सकता है, तो ये आ रही है। और integrate.html इज़ अनदर फाइल। सो यहाँ पे जो ये वाला वेरिएबल है msg, ये main.py की फाइल में भी वेरिएबल सेम होना चाहिए जो कि वेरिएबल यूज़ हुआ है हम लोगों की इंटीग्रेट वाली फ़ाइल में। दोनों के फाइल्स के अगर वेरिएबल सेम होंगे तभी जो डाटा है वो एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में आएगा, वरना डाटा का आना थोड़ा मुश्किल होगा। आई होप यू आर मतलब मैं सही तरह समझा पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें। और बाकी सारी फाइल का जो कोड है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि पिछले मैंने ट्यूटोरियल में सेव किया है। गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, मेरी तो इंटीग्रेशन हो गई, आप लोग भी अपनी इंटीग्रेशन करें। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है समझने में, कोई मसला आ रहा है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।